यहाँ पर मौजूद रिच ऑयल फील्ड्स हैं, जिसको ड्रिल करके ये भारत का दूसरा मुंबई हाई बन सकता है, जो कि भारत का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग ब्लॉक है। दुनिया का 90% ऑयल ट्रेड इस एरिया से होकर गुजरता है, पर ये पोर्ट्स इस रूट के एजेस पर लोकेटेड है, जबकि गलाथिया बे बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है। बे के स्ट्रेटेजिक लोकेशन का एडवांटेज लेने में भारत ने थोड़ा लेट कर दिया है। इस एरिया को बिल्कुल स्क्रैच से डेवलप किया जाएगा, जिसके लिए नीति आयोग ने इसको 3 जोन में डेवलप करने का प्लान बनाया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में ही फाइनेंशियल हब्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स और होटल्स बनाए जाते हैं। जोन 2 में एक फिल्म सिटी भी डेवलप किया जाएगा, जिसमें बीच थीम सेट्स, डोर आउटडोर शूटिंग और एक नेशनल फिल्म एंड ड्रामा इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। फ्यूचर में इसको इंडिया का बिगेस्ट टूरिज्म हब बनाया जाएगा। इस आइलैंड के स्ट्रेटेजिकल लोकेशन को यूज करके भारत इंडियन ओशियन को डोमिनेट कर सकता है, जिसको कंट्रोल करने के लिए चाइना, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ऑलरेडी यहाँ पर पोर्ट्स और मिलिट्री बेसेस बना चुके हैं। मेनलैंड इंडिया से 1400 किलोमीटर दूर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब बनने वाला है, और 836 आइलैंड के इस समूह से हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट होगा। इस आइलैंड पर फाइनेंशियल हब, मेडिकल सिटी, एरो सिटी, फिल्म सिटी और हांगकांग के डिज्नीलैंड के तरह थीम पार्क बनाई जाएगी। इस आइलैंड के स्ट्रेटेजिकल लोकेशन को यूज करके भारत इंडियन ओशियन को डोमिनेट कर सकता है, क्योंकि दुनिया का 90% ऑयल ट्रेड इस एरिया से होकर गुजरता है। मलक्का स्ट्रेट दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट है, और ये ग्रेट निकोबार आइलैंड के पास लोकेटेड है, और इसी आइलैंड पर लोकेटेड गलाथिया बे को भारत इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट हब बनाने की प्लानिंग कर रहा है। ट्रांसशिपमेंट हब वैसे पोर्ट्स होते हैं जहां से मेजर ट्रेड रूट्स के शिप अपने शिपमेंट को अनलोड करते हैं, और फिर इन हब्स के थ्रू ये शिपमेंट अलग अलग मीडियम से दूसरे लोकेशंस पर पहुंचा दिए जाते हैं। इन हब्स के वजह से शिपिंग कंपनीज को लाखों डॉलर का फायदा होता है, क्योंकि ये ना होते तो शिप्स को हर लोकेशन पर जाकर शिपमेंट डिलीवर करना पड़ता, जिससे शिपिंग कंपनीज को ज्यादा कॉस्ट उठाना पड़ता। अब ऐसा नहीं है कि इस रीजन में सिर्फ एक निकोबार ही पोटेंशियल ट्रांसशिपमेंट हब है, इसके अलावा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मलेशिया का क्लैंग पोर्ट और श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट भी है, पर ये पोर्ट्स इस रूट के एजेस पर लोकेटेड है, जबकि गलाथिया बे बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है, जिसके वजह से इसको ज़्यादा एडवांटेज मिलती है। इस पोर्ट को डेवलप करने और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 2 मेजर ड्रॉबैक्स हैं। पहला ड्रॉबैक ये है कि ये प्रोजेक्ट अभी नियर फ्यूचर में रेडी नहीं होने वाला है। गलाथिया बे को इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने के लिए 4 फेजेज में काम होगा, जिसका फर्स्ट फेज 2028 में स्टार्ट होगा, और इसकी हैंडलिंग कैपेसिटी 4 मिलियन कंटेनर्स की होगी। अल्टीमेटली इस कैपेसिटी को 16 मिलियन कंटेनर्स तक बढ़ा दिया जाएगा, जिसमें 2058 तक का वक्त लगेगा। इस बे के स्ट्रेटेजिक लोकेशन का एडवांटेज लेने में भारत ने थोड़ा लेट कर दिया है, पर इसके पीछे भी एक रीज़न है जो हमारे इस प्रोजेक्ट का दूसरा ड्रॉबैक भी है। अंडमान एंड निकोबार का सिर्फ 31 आइलैंड्स ही इनहैबिटेड है, और मेजॉरिटी आइलैंड्स पूरी तरह से फॉरेस्ट से कवर्ड है। गलाथिया बे रीजन भी गलाथिया नेशनल पार्क के अंदर आता है, और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच है। ये रीजन यूनिक इंडिजीनियस स्पीशीज जैसे निकोबार पिजन और जाइंट रॉबर क्रैब्स का घर है। साथ में ये दुनिया के सबसे बड़े सी टर्टल्स, द जाइंट लेदरबैक सी टर्टल्स का इम्पॉर्टेंट नेस्टिंग साइट है, और यहाँ पर पोर्ट बनने से ऑब्वियसली यहाँ पर इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होगी, जिसके वजह से ऑलरेडी कई एक्टिविस्ट्स इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हो चुके हैं। ये गलाथिया बे के अलावा इस आइलैंड्स के और भी कई सारे पोटेंशियल्स हैं, जिसमें से एक यहाँ पर मौजूद रिच ऑयल फील्ड्स है, जिसको ड्रिल करके ये भारत का दूसरा मुंबई हाई बन सकता है, जो कि भारत का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग ब्लॉक है। इसके डिटेल्स मैंने इस वीडियो में समझाया है, इसे ज़रूर देखिएगा। हमारे वीडियोस कई सारे रिसर्चेस और न्यूज़ आर्टिकल्स पर बेस्ड रहते हैं, और इन सब सोर्सेज के लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इन रिसर्चेज में काफ़ी वक्त और मेहनत लगता है, पर आपके एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने के लिए। अंडमान एंड निकोबार को फाइनेंशियल हब बनाने के लिए मेजॉरिटी डेवलपमेंट लिटिल अंडमान आइलैंड नाम के छोटे से आइलैंड पर प्लान किया गया है। ये आइलैंड 90% फॉरेस्ट से कवर्ड है, और यहाँ पर मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिजीनियस ट्राइब्स की है। इस एरिया को बिल्कुल स्क्रैच से डेवलप किया जाएगा, जिसके लिए नीति आयोग ने इसको 3 जोन्स में डेवलप करने का प्लान बनाया है। सबसे पहले इस आइलैंड के कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। करंटली इस आइलैंड पर जाने के लिए सिर्फ एक शिप MV नालंदा है, और यहाँ की हेलीपैड भी काफ़ी छोटी है, और यहाँ ज़्यादा विजिटर्स नहीं आते हैं, इसलिए इस जोन में एक एरो सिटी बनाने की प्लानिंग है। एरो सिटी मतलब सिर्फ एयरपोर्ट नहीं होता है, ये एक पूरा प्लान्ड सिटी होता है, जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में ही फाइनेंशियल हब्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स और होटल्स बनाए जाते हैं, जिससे बड़े कंपनीज एयरपोर्ट के पास ही अपने हेडक्वार्टर्स बना सके, साथ में कॉरपोरेट लीडर्स यहाँ ईजिली आकर रह सके। भारत में अभी तक सिर्फ एक एरो सिटी दिल्ली में डेवलप किया गया है,
जहां इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सटकर ही ढेर सारे फाइनेंशियल हब्स और कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाए गए हैं। ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है क्योंकि कंपनीज भी अपने ऑफिसेज एयरपोर्ट के पास ही खोलना चाहते हैं। इसके अलावा लिटिल अंडमान के जोन 1 में एक मेडी सिटी बनाया जाएगा, जहां पर बहुत ही बड़े लेवल पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। इससे यहां रहने वाले रेसिडेंट्स को मेनलैंड इंडिया पर डिपेंडेंट नहीं रहना होगा, साथ में मेडिकल टूरिज्म भी यहां पर बढ़ जाएगी। फाइनेंशियल और मेडिकल हब के अलावा जोन 2 में रेसिडेंशियल हब को डेवलप किया जाएगा, जहां पर इन जगहों पर काम करने वाले एम्प्लॉयज और उनके फैमिलीज रहेंगे। इसके अलावा जोन 2 में एक फिल्म सिटी भी डेवलप किया जाएगा, जिसमें बीच थीम सेट्स और म्यूजिक रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज, इंडोर आउटडोर शूटिंग और एक नेशनल फिल्म एंड ड्रामा इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। ये इस आइलैंड की एक यूएसपी होगी और प्रोड्यूसर्स जो फिल्म एंड म्यूजिक वीडियोस बनाने के लिए बाहर देशों में करोड़ों खर्च करते थे, वो यहाँ पर इजिली शूट कर पाएंगे। इन सब के अलावा इस आइलैंड के टूरिज्म पोटेंशियल को भी डेवलप किया जाएगा। करेंटली ये आइलैंड वन ऑफ द लीस्ट विजिटेड प्लेस में से एक है, पर फ्यूचर में इसको इंडिया का बिगेस्ट टूरिज्म हब बनाया जाएगा। इस प्लान को तीनों जोन्स में डेवलप किया जाएगा, पर हर जोन टूरिस्ट को एक अलग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। जोन नंबर 1 में लग्जरियस होटल्स बनाए जाएंगे और टूरिस्ट्स यहां पर प्रीमियम लग्जरी वेकेशन का मजा ले पाएंगे। जोन 2 में यंग टूरिस्ट्स के लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट टूरिज्म डेवलप किया जाएगा। इस जगह पर थीम पार्क बनाने की भी प्लानिंग है, जिससे यहां पर टूरिज्म बूस्ट हो सके, जस्ट लाइक यूएसए का यूनिवर्सल स्टूडियो और हांगकांग का डिज्नीलैंड, जो वहां के लिए मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। और आप बिलीव नहीं करोगे, हांगकांग का डिज्नीलैंड हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रॉफिट कमाता है और इसके वजह से वहां की टूरिज्म भी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। जोन 3 में एक नेचर जोन डेवलप किया जाएगा, जहां टूरिस्ट सिटीज के शोर शराबे से दूर नेचर के करीब रह पाएंगे। इसके लिए 52 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को नेचर एक्सक्लूसिव जोन डेवलप किया जाएगा और यहां के नेचुरल ब्यूटी को टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया जाएगा। इस तरह से अलग अलग जोन्स में इस आइलैंड को भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल, टूरिज्म और मेडिकल हब बना दिया जाएगा। पर इसके लिए यहाँ के इंडिजिनियस ट्राइब्स को रिलोकेट करना पड़ेगा, साथ में लाखों पेड़ को काटना पड़ेगा, जिसके वजह से ऑलरेडी एक्टिविस्ट इस प्रोजेक्ट को एक इकोसाइड बता रहे हैं। पर इस जगह के डेवलपमेंट भारत को एक अपर हैंड दे सकती है इंडियन ओशियन को कंट्रोल करने में, जिसको कंट्रोल करने के लिए चाइना, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ऑलरेडी यहाँ पर पोर्ट्स और मिलिट्री बेसेस बना चुके हैं।